वेलकम बैक जी, ईद का दिन है और आज हमारे मेहमान हैं कि कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। नाज़रीन, आपके लिए, आपको जो है वो इंजॉय करवाने के लिए, आपको आपकी दिलचस्पी के लिए हमने आज का ये स्पेशल ईद प्रोग्राम जो है वो गपशप उसका अहतमाम किया। और मेरे नए मेहमान जनाब ज़िला हाफ़ज़ाबाद के इलाका काली की मंडी में सियासी उफक पर चमकते दमकते सितारे और सियासी बैकग्राउंड। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि किताब पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक, उसमें एक किस्सा जो लिखा हुआ है वो इनके नाना जान राय फतेह मोहम्मद उनका है और वो किस्सा ये खुद अपनी ज़ुबान से शेयर करेंगे। और इनका अपना ताल्लुक भी सियासी जमात से और साबक जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ा जो है वाइस चेयरमैन का, यूसी वाइस चेयरमैन भी जो है वो विन किया। मेरी मुराद मोहतरम जनाब राय फ़खर जमान खरल साहब आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं, हमें वक्त दिया इन्होंने, हम इनके मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी, ईद के दिन इतनी मसरूफियत में आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला। तो आपका जो सियासी बैकग्राउंड है वो तो दादा से लेकर नाना और वो सारे भाई और बाप इस तरह नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, अचानक सियासत से जो है वो आपने जंप किया और आप टिकटॉक में आ गए, ये कहानी क्या है? पहले जी सियासत की गल करते पे, खानदानी सियासत शुरू तो साडे वालदैन दादा अबू नाना अबू, मेरे नाना अबू राय फतेह मोहम्मद MPA रह चुके ने, ते उस दौरे च फिर जिवें तुसीं अग्गे कहंदे पए हो कि किताब दे विच जिक्र, ओह बड़े फिर अवले वक्त सन, ते खर साहब गवर्नर सन, ते खर साहब जिहड़ा है ना ओह राय फतेह मोहम्मद साहब दे बेटा बने सन, बड़े उन्होंने क्लोज जिहड़ा है जिवें तुसीं हुक्म दित्ता है ते असीं आ गए हां। इंज ही उन्होंने भी बड़ा प्यार का जिहड़ा है ना सिलसिला सी, तो ईद वो भी ईद दे ही तहसी ते वापस आना सन नाने होर। अच्छा, ते जिस टाइम वो ड्राइवर नु आख्या नाना और आख्या भाई नहीं मैं चला जाऊंगा, उन्हें बड़ा बेटे फिर बड़े सन उन्हें आख्या भाई नहीं गड्डी छड़ के आवे। अच्छा, वो शेखपुरे के करीब जिहड़ा है ना वो अगे डोगी आया ते ड्राइवर ने ब्रेक लाई ते वो साके मोशन टूट गया। अच्छा, वो बल्ले वक्त सार बुजुर्गा नाने साहब के आती जिहड़ा है ना ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਲਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪੇ ਨੱਟ ਨੁੱਟ ਕੱਸ ਕੇ, ਉਹ ਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੈ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਲੇ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਦਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਜਰਾ ਦੇ ਅਸਲ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲਕ ਵੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਫਤਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਉਹਨੇ ਹੀ ਐਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ? ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 1-2 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 44-45 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਹਾਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਫੋਬੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਝਾਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਝਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 2-3 ਅਸੂਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ 2-3 ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੀਚ ਊਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਦੇ 2-3 ਅੱਜ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
मैं बड़ा अमीर हां इस हवाले नाल के मेरे दो मुखलस यार ने और यारा जी नाल बहारा ने फर्क महसूस कर दे जिंदगी जिसल बचे होंगे जिसल टाइम होंगे जिसल दस या भी रुपये लेने फिर असि वे होंगे फिर असि दस भी देने हो जाने जिंदगी एक पूरा सर्कल है चक्कर है उनके इस दौर भी लाजम गुजरना है इस पहली जिंदगी नहीं रल सकती इस जिंदगी पहली नहीं रल सकती जी अगू वाली है यह नहीं रल सकती वो इन नहीं रल सकती यह जिंदगी का एक स्टैप है जिंद जरूर जे इंसान है तो उस इस चक्कर जरूर इंसान का चक्कर है जरूर बेहतर से या बेहतर है लाजमन हिस्सा चेंजिंग आती है इंसान अच्छा शादी शादी तो बाद जिहड़ी जिंदगी है वो खूबसूरत लम्हात नहीं है शादी तो पहले वो इन्होंने चंगे सन आउंदे ना चंगे वो अपना मजा सी ऐ जिंदगी दा एक अपना मजा नहीं एक मैं शादी तो पहले तुसी आजाद जिंदगी गुजार दे क्या शॉपिंग अपनी खुद कर दे हो तुसी या तुहाडे वालदैन जो छोटा हुंदा बंदा वालदैन कर दे ने फिर बंदा खुद अपनी शॉपिंग कर दे बंदे आ अच्छा ते होर नहीं है तुहाडी शॉपिंग तुसी कर दे हो या तुहाडी मिसेस कर दे हां करना जे तक जी जिवें अग्गे कोई जिवें अग्गे भी नहीं सी जो लग गया जो चल लिया कोई रेडी कोई नहीं तो यान के कोई मखसूस चीजा नहीं है अजी ते नाल ही साडा प्रोग्राम जेड़ा सानू ब्रेक लई किया जा रहा है छोटे जे ब्रेक तो बाद दोबारा तुहाडी खिदमत विच हाजिर होने और नए मेहमान